गाइस यहाँ पर मुझे शायद कुछ टाइम के साथ कुछ करना है। ओ शिट, नहीं, मुझे यहाँ से ऊपर। गाइस मुझे लगता है मुझे शायद टाइम चेंज करना है यहाँ पर। नहीं, मुझे घड़ी को चलने देना है। फिर जब घड़ी उधर तक पहुँचेंगी फिर मुझे वहाँ पर क्रॉस करना है। मुझे टाइम के अकॉर्डिंग चलना है गाइस यहाँ पर। जैसे हाँ, घड़ी चल रही है, घड़ी को चलने का, घड़ी की निडल्स को मुझे मुझे घड़ी की निडल्स को सेट करना है यहाँ। ओके गाइस, गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है यहाँ पर। आपको बहुत सारा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। ये बस मुझे ये घड़ी का टाइम सेट किया। अब देखना गाइस, शायद मैं यहाँ से क्रॉस करूँ। पर यहाँ पर बड़ा अजीब सा कपड़ा उड़ रहा है गाइस। ये तो यहाँ पर बहुत अजीब सा कपड़ा है। थोड़े से ग्राफिक्स और ठीक कर सकते थे ये लोग जिन्होंने गेम डेवलप की, ऑब्वियस है। हाँ, मुझे यहाँ जाना, मुझे यहाँ से इस नीडल पे मुझे जंप। यस, ओ इसका मतलब यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अब मुझे इस खिड़की से जाना है यहाँ। गाइस यहाँ पर रास्ता है ऊपर जाने का। गुड गाइस, आप एक बार यहाँ पर व्यूज़ देखो। ओ माय गॉड गाइस, इससे यहाँ पर दिख रहा कि ये कितनी हाइट पर आ चुका है नेथन, कितनी ज़्यादा हाइट पे आ चुका है गाइस। लुक एट दैट। चलो गाइस, बाकी हम अब मिशन को कंप्लीट करते हैं। ऊपर शायद, नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, इस तरफ ऊपर। यहाँ से मुझे अपना ग्रेप फेंकना। ओ गॉड, लुक एट दैट, लुक एट दैट गाइस। एक बार मैं आपको यहाँ पर ना एक व्यू दिखा रहा हूँ। वाह गाइस, देखो व्यू, देखो गाइस कितना ज़बरदस्त है। ओ माय गॉड गाइस, व्यू ऑन ग्राफिक्स देखो। यहाँ से मुझे शायद ऊपर जाना है। लुक एट दैट, मुझे यहाँ से शायद रन करना है। यहाँ से मुझे स्विंग करके यहाँ जंप लगा के, ओ पकड़ा, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ओ शिट, ओ गाइस गिरते गिरते बचा, नेथन तो गिरने वाला था, जस्ट गिरते गिरते बचा यहाँ से। ओ एक बार फिर से आप व्यूज़ देखो यहाँ पर गाइस, व्यू देखो कितना बढ़िया है। थोड़ा सा पर आर्टिफिशियल सा लग रहा है, इतना बढ़िया भी नहीं है, लेकिन अच्छा है गाइस, गेम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है गाइस। अनचार्टेड 4 तो वैसे भी अपने ग्राफिक्स के लिए बहुत फेमस है। रुको, यहाँ पर नेथन खड़ा और मैं आपको फिर से एक बार इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। गाइस देखो नेथन कितने ऊपर आके खड़ा है, और नीचे पूरी सिटी है। वहाँ पर गाड़ी में चल रहे हैं कुछ, देखो गाइस नीचे की तरफ भी देखो। ओहो, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है, और डर सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम रील में यहाँ खड़े हैं। अभी नेतिन को एक बड़ी सी बेल मिली है वहाँ पर, शायद इसको उस बेल की तरफ जाना। गाइस एक बार फिर से आपको मैं नीचे कवर व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दैट गाइस, वाह, वो एक पुल भी है वहाँ पर गाइस, वाह बहुत बढ़िया। चलो अब अगला मिशन करते हैं, मिशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से नहीं, शायद यहाँ से भी नहीं। यहाँ गाइस फिर से एक लीवर दिखा है। ओके, नेथन को शायद जो फाइनल लीवर मिल गया। और हाँ गाइस, ये ओ तो बेल को बजाने से पहले इसके गियर्स टूट गए। नेथन नीचे है, और सॉरी सुली नीचे है, उसको हैंडल टूट गया। अब नेथन को शायद कुछ खुद से ही करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको जंप लगा के खुद ही रिंग करना पड़ेगा गाइस ये बेल। यस, करना पड़ेगा उसको। गाइस सब कुछ टूट गया यहाँ पर, जो सबसे बड़ा बैल था यहाँ पर वो नीचे गिर गया। ओ अब आगे, ओ शिट 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 गाइस, अब आगे क्या करना मैंने मुझे नहीं पता गाइस। नेथन को भागना पड़ेगा शायद यहीं से, यहीं से। ओ शिट गाइस, वो बेल नीचे गिर गया, बहुत बड़ा। ओह शिट,
गाइस फाइनली फाइनली नेथन नीचे आ गया और बड़ी मुश्किल से बच गया वो। गाइस अभी भी बहुत नीचे कुछ गिर रहा है, दोनों बच गए सली और नेथन। Hey, Sally. Shit. At least I got the door open though, huh? गाइस देखो सब कुछ टूट गया ऊपर। I don't know yet. You? Jeff. नेथन ने वैसे पूरी जो एक बड़ी सी घड़ी थी उसका सत्यानाशी कर दिया। गाइस एक नीचे सीक्रेट डोर खुला है। हाँ 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 एक नीचे डोर है बेटा। गाइस एक रास्ता खुल गया नीचे, ये हटाना पड़ेगा। गाइस वो बेल गिरने से एक नीचे सीक्रेट डोर सा खुला है। हाँ 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 hey, look, the coin. वो कॉइन इनको फिर से वापस मिल गया, लेकिन एक डोर मिल गया गाइस इनको नीचे से। देखते हैं यहाँ जाके कि नीचे क्या है। हाँ वो बड़ी सी जो बेल गिरी गाइस उसने फ्लोर तोड़ दिया यहाँ पर। फ्लोर तोड़ने के बाद नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता मिला इन दोनों को और वहीं जाना पड़ेगा। शायद सैम से बात कर रहे हैं असली। एक सीक्रेट डोर है यहाँ पर। वाओ गाइस यहाँ मिस्ट्री के ऊपर मिस्ट्री, ऐसी गेम है ये। एक मिस्ट्री अभी जस्ट सॉल्व की, उसके बाद एक और मिस्ट्री आ गई गाइस। अब ये पजल शायद इसका भी कोई क्लू होगा यहाँ पर। सुली तो वहाँ खड़ा हो गया। हाँ 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 यहाँ कुछ है गाइस, यहाँ कुछ। ये तो और भी ज़बरदस्त पज़ल लग रहा है उससे भी। सारा कुछ मैकेनिज्म है गाइस यहाँ पर, जैसे घड़ी है, घड़ी के छोटे छोटे गियर्स हैं, बड़े गियर्स हैं, बहुत कुछ है गाइस यहाँ पर। यहाँ पर वही साइन मिला, एक डेंजर साइन जो इनको पहले मिला था। ये टर्न हो रहे हैं गाइस, पता नहीं इसको कैसे करना है। ओह छूट गया गाइस, यहाँ भी एक पजल था। वाह बहुत अच्छा गाइस, एक और सीक्रेट डोर खुल गया यहाँ से। yeah, just a second. नेथन कुछ और देख रहा है यहाँ पर से, कुछ और मिला यहाँ पर। एडम बॉल्ड्रिज एंड बॉनी एंड क्रिस्टोफर कंडेंट। नेथन को कुछ और सिंबल्स मिले हैं। There's too many permutations. I say we see where that door leads. Still hoping for some treasure. इस पज़ल को हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं गाइस क्या है। यहाँ तो बहुत सारे डोर्स हैं, जो एक खुला है पहले उसको ही देख लेते हैं। ठीक है इस तरफ चलते हैं गाइस। आप अंदर देखो गाइस कितना बढ़िया है, और पेंटिंग्स भी की हुई है यहाँ पर। वाओ बहुत बढ़िया पेंटिंग्स की हुई है। That's right. Jack Sparrow ki lag raha hai guys. Billy one hand. Guess he had one made. Kuch iske haath mein hai. Aur wow, that mustache. It's almost as impressive as yours. It's all right. Nada. Nada. Nah. गाइस यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे तो। बॉनी वाज अ रेडहेड। गाइस शायद इस पेंटिंग में कुछ सीक्रेट्स हैं। ना हे नेट लुक अनदर स्टार पैटर्न।
सुली ने गाइस कुछ देख लिया यहाँ पर, यहाँ पर कुछ फोकस है। Just like the ones on the Avery and two sigils in the other room. शायद इसके अंदर कुछ है। बस हो गया। अब इस पेंटिंग में भी गाइस कुछ है। यहाँ पर ये जो स्क्वायर बने हैं गाइस, इस पर रख के हमें ट्रायंगल प्रेस करना है। There's another one of those star patterns. Yeah, but this one's different than that first one. Oh yeah. Yes. Good catch. Thank you. See, I'm not just a pretty face. What do you think? Okay. It's Avery and two sigils. The stars on those lined up, remember? But these line up too. इस तरह से हमें पजल को सॉल्व करना है। हमें कुछ क्लूज मिले हैं गाइस यहाँ पर। चलो गाइस देखते हैं आगे। यहाँ पर हमें इस पजल को फिर से सॉल्व करना होगा। इस पजल को इस तरह से लेते हैं फिर से, जिस तरह से पहले गाइस उसकी डायरी पे है वो सीधा है, पेंटिंग में तो ऐसा है। ठीक है, हम इसे मूव कर लेते हैं। बस, और वो तो ऐसा ही है। गाइस थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रही है गाइस यहाँ पर कि पेंटिंग में तो कुछ इस तरह से ही दिखाया गया है। मुझे लगता है हमारे गोलू का रिजल्ट आ गया, इतना सही रिजल्ट आया उसका।